जब जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा तो जो वहाँ श्रमिक थे, जो हमारे भाई लोग थे, सबसे पहले पूरे देश के लिए जो 13 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था, 17 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था, बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा, उनका रिएक्शन इतना था कि जैसे मैं अंदर टनल के अंदर प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं, पैनिक ना हो, हम NDRF की टीम पहुंच चुकी है आपकी सहायता के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुशल मंगल थे कि NDRF की टीम पहुंच चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक करके बाहर निकालेंगे। लेकिन सर, जब आपने उनसे बातचीत शुरू की तो किसने सबसे पहले इच्छा जताई कि हम सबसे पहले बाहर निकलें? सबसे पहले उन्होंने एक प्लानिंग मूव बना रखा था, उस हिसाब से वो बाहर निकाल रहे थे। दूसरा सर, ये बताइए कि SDRF और NDRF, ये दो बचाव अभियान में जुड़ी टीम थी जो उन तक भोजन, दवाई, ताकि उनका मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, ये कितना चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए पिछले 17 दिनों से? हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसमें जो ऊपर वाला जो पाइप डाला था उसके जरिए उनके लिए भोजन भेजा जा रहा था, वो काफी डिफिकल्ट था। लेकिन बातचीत भी आप लोग करते थे, वो उनका मानसिक संतुलन बना रहे कैसे कैसे गाइड करते थे उनको? जो अपना उनका मानसिक संतुलन बनाने के लिए यहाँ से बोलते रहते थे कि हम आपके समीप पहुंचने वाले हैं, आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, आप धैर्य करें और धैर्य के साथ रहे। आपने कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए होंगे सर, ये कितना अलग था, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? ये सर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऐसे हम इससे पहले हमने काफी माउंटेनिंग और अपना फ्लड रेस्क्यू ये और सिवियारन, इसके उपरांत हमें जो ये अपना टनल का जो रेस्क्यू था ये पहला ही एक अनुभव मिला, हमें बहुत ही लाजवाब का अनुभव मिला और कुछ बहुत सारा हमें सीखने को मिला। अब आप लोग अपना बैग सैग पैक कर रहे हैं, अपने अपने घर को जाएंगे या जहां ड्यूटी होगी जाएंगे, लेकिन आप भी इन सब चीजों को मिस करेंगे और आप लोगों को भी सभी लोग मिस करेगा, क्योंकि NDRF अपने इस रंगीले ड्रेस में, वर्दी में अक्सर रोज लोगों को दिखती थी जो मॉक ड्रिल वगैरह करती रहती थी। ये सर अब हम अपनी जो यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब हम अपनी 15 NDRF गदरपुर की ओर और...